मार्केटिंग समझना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मार्केटिंग समझने के लिए एक वर्ड अपने माइंड में हमेशा ये रहता है कि मार्केट। मार्केट में जहाँ पे हमको सिर्फ सामान मिलता है या कुछ लोग जाके सामान सेल करते हैं, ओके, दैट इज एग्जैक्ट वर्ड मार्केट। बट मार्केटिंग का मीन्स क्या होता है? जो हमें मार्केटिंग करने आनी चाहिए। वापस से आप बोलोगे मिस आप वापस से मार्केटिंग मार्केटिंग बोल रहे हो। मार्केटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? यू शुड नो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, या यू शुड नो कि किस तरह से आप कस्टमर को बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, या ये प्रोडक्ट लोगे तो ये आपको कम पैसे में आएगा, या ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ बेटर देन दैट वन। अंडरस्टूड? सी आई विल एक्सप्लेन यू। फिलिप कॉटलर जो है ये इज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, व्हाट ही टोल्ड, मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग and freely exchanging products and services of value with others. Means we should be very clear about the product. Means जो भी हमें product को खरीदना है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। समझो ये केक है, ओके, ये मॉन्जिनिस का केक है, ये समझो 500 रुपीज का है, ओके, और इसी के ठीक सामने एक और शॉप है, वो केक बेच रहा है 250 रुपीज, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस मैं तो 250 का ही लूंगा, 500 रुपीज क्यों बिगाड़ूंगा, 5 मिनट में तो केक फिनिश हो जाएगा। लेकिन बी ए ने बोला कि मैं तो यही लूंगा, कौन सा वाला, ये वाला, और बी ने बोला नो आई विल बाय 500 वाला केक बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है, वो ब्रांड है। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, लेकिन वाइल यू आर शोइंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट हाउ यू विल शो, 500 वाला बंदा ज़्यादा करके अपना एम्बियंस अच्छा रखेगा, प्रोडक्ट अच्छा रखेगा, एकदम क्लीनलीनेस रखेगा, थोड़ा सा एसी लगा देंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सारे एक्सपेंसेस उसमें जुड़े होंगे। 250 वाला जो होगा वो नॉर्मली बेकरी में जो मिलता है वही वाला केक होगा जो बेकरी में बनता है, और ऊपर जो पुराने ज़माने में क्रीम रहती थी वैसी क्रीम लगा देंगे वो लोग। बट वो भी हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इफ़ ही सेलिंग तो वो हमारे लिए कुछ भी उसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। फ़र्क ये हो जाता है कि उसको अलग तरीके से ब्रांडिंग किया है, उसको अलग। जो रिच होंगे वो लोग उनका टेस्ट उनके हिसाब से रखेंगे, मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली, वो लोग भी चीज़ें इंजॉय करते हैं, बट सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लेते हैं। गेटिंग मी? सो यहाँ पर क्या लिखा है, दे नीड एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग, दे शुड नो हाउ टू क्रिएट द प्रोडक्ट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू ऑफर, किस तरह से आपको देना है, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। आप कितनी भी महंगी चीज़ बेचो या कितनी भी सस्ती चीज़ बेचो, आपको मार्केटिंग करने आना चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ बुक्स एज वेल एज यूनिफॉर्म। आपको पता है कितने भी रिच रहो आप, कितने भी पुअर रहो आप, आपको टेक्स्ट बुक सेम ही मिलती है, राइट? चाहे आप कितने भी ब्रांडेड स्कूल में चले जाओ, कितने भी म्युनिसिपैलिटी स्कूल में चले जाओ, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने सबके लिए सेम बनाई है। अब ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स आपकी स्कूल ड्रेस, आपको यूनिफॉर्म का इकोनॉमिकल लैंग्वेज में मीनिंग पता है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है सेम। ये बात कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगी। अभी तक आपको लगता था यूनिफॉर्म मतलब स्कूल ड्रेस होता है, नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है सेम। हर स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस सेम होता है, क्यों? वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पुअर हो, कितने रिच हो, नहीं, एवरी वन इज़ यूनिफॉर्म, मीन्स एवरी वन इज़ सेम। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है, फिलिप कॉटलर ये बोलते हैं आपका कुछ भी प्रोडक्ट रहने दो, आपको उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करने आना चाहिए, तभी जाके कोई भी बंदा लेगा। अब मैंने बुक्स और यूनिफॉर्म का आपको एग्जाम्पल दिया। अब यूनिफॉर्म मैंने आपको क्यों बोला पता है? यूनिफॉर्म में भी अब दो चीज़ें होती है, एक होता है कि कपड़ा, ठीक है, यूनिफॉर्म अगर हम पहन रहे हैं
कुछ लोगों को ऐसे होगा कि नहीं ये मैं मेरे हिसाब से अच्छा कपड़ा लेकर सिलवाऊंगा, तो सिलवाओ, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन आप कर सकते हो, लेकिन आपको कलर यही चाहिएगा, डिज़ाइन भी यही चाहिएगा, आपको सेम टू सेम ही पहनना पड़ेगा। और अगर वो डिजिटल प्रिंट है तो स्कूल ने जो दिया है आपको वही लेना पड़ेगा, वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, नो, इज इट ओके। सो यहाँ पर हमको मार्केटिंग समझ में आ गई किस तरह से मार्केटिंग करनी है। अभी हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस।